गुड मॉर्निंग फ्रेंड, भूपेन सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम रूम सर्च करता हूँ। दोस्तों 20 अप्रैल हो चुकी है और 20 अप्रैल की हम बहुत बड़ी आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, जो कि 69 शिक्षक भर्ती से भी संबंधित है और शीघ्र ही 69 शिक्षक भर्ती का आदेश आने वाला है। अमेरिका में स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के कारण देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इसको ध्यान रखते हुए अमेरिका ने अपने कॉलेज और स्कूलों को सभी को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है और 20 से नहीं खुलेगा कोई भी कार्यालय। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा की थी कि 20 से कुछ हिस्सों में छूट दी जाएगी और सरकारी कार्यालय खुलेंगे, किंतु 20 से कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं खुलेगा और लॉकडाउन के बाद होगा मूल्यांकन। जैसा कि सबको पता है कि सूचना मिल रही थी कि 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य तेज होगा, किंतु मूल्यांकन कार्य तेज होने के आसार कोई नहीं दिख रहे हैं और लखनऊ समेत कई जिलों में 27 जिलों में कोई छूट नहीं। जैसे कि सबको पता है कि कुछ जिलों के लिए छूट कर दी गई थी कि इसमें कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला है, तो इसी को ध्यान रखते हुए अब नया जियो जारी करा गया जिसमें लखनऊ समेत कई जो 27 जिले हैं उनमें किसी में भी कोई छूट की राहत नहीं मिली है। दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने नए दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य लेकर आते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि न्यूज है, जैसे सबको बताया कि यूपी बोर्ड है ना मूल्यांकन के विरोध में उतरे शिक्षक। जैसा कि सबको बताया कि 25 तारीख से मूल्यांकन करने के पे विचार विमर्श चल रहा था, उसी को ध्यान रखते हुए जो यूपी के जो शिक्षक हैं वो सभी क्या उतर चुके हैं, वो विरोध में उतर चुके हैं। जैसा कि देखेंगे कि राजधानी समेत प्रदेश भर में शुरू हो रहे यूपी बोर्ड के मूल्यांकन कार्य को लेकर विरोध होने लगा। रविवार को शिक्षक बीच के विरोध में उतर आए हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह कदम घातक साबित हो सकता है। राज्य के शिक्षा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस दत्त पांडे का कहना है कि 25 अप्रैल के आसपास मूल्यांकन शुरू करने पर विचार से शिक्षक समुदाय में तमाम प्रकार की आशंका है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण यातायात साधन बंद है, सभी शिक्षकों के पास निजी वाहन नहीं है, ऐसे में आना जाना तो समस्या है। संघ के प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला का कहना है कि मूल्यांकन केंद्र पर 400 से 1000 तक शिक्षक उपस्थित होते हैं और काफिया का बंडल ओमर शीट आदि के हाथों से गुजरनी होती है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, जैसे सबको सब देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमेरिका में स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद कर देंगे। ये क्यों हुआ इसके लिए कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ज़्यादा राज्यों में सभी स्कूल 1 साल के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। अमेरिका में 31 राज्यों में इस शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल पूरी तरह बंद है। प्रशासन का कहना है कि इसमें फैसले से कोरोना में संक्रमण रोक लगेगी। इस शैक्षिक सत्र में स्कूल खोलना और बच्चों का बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि कई राज्यों के सामने दूरी सामाजिक दूरी के उपायों को शुरू होने के लिए अपनी योजना घोषणा की है। संघीय सरकार ने अमेरिका को विभिन्न चरणों में फिर खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, पर स्कूल के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दोस्तों सबको पता है कि कोरोना के कारण कोई भी स्कूल कॉलेज खुलने के पक्ष में नहीं है और 2021 तक विश्वविद्यालय रहेंगे बंद। ये भी अमेरिका की न्यूज है कि जो अमेरिका में जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो 2021 तक सभी बंद रहेंगी। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है कि कार्यालय नहीं खोले के फैसले का स्वागत। देखिए सरकारी कार्यालयों में अभी नहीं खोले जाने का आदेश देर रात में आने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों राहत की सांस ली। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने सरकार की पहल पर कर्मचारी में उनके परिवार की सुरक्षा को देखते हुए अच्छे निर्णय बताया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा का कहना है कि सीएम के निर्णय का स्वागत करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि 20 तारीख खुलने के आदेश जारी हो चुके थे, किंतु देर रात अब 20 तारीख से कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा, इसकी सूचना रात सभी को दे दी गई। नेक्स्ट है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही कापियों का होगा मूल्यांकन। लॉकडाउन खुलने के बाद यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन कराने के लिए राज्य के शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखा। संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल से बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन की संभावना जताई थी। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मूल्यांकन केंद्रों पर 400 से 1000 तक शिक्षक उपस्थित होते हैं, ऐसे में शिक्षकों की दिक्कतें हो सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन शिक्षकों से उनके घर पर ही कराने का फैसला लिया है। प्रदेश में भी पहले यह व्यवस्था लागू हो चुकी है, ऐसे मूल्यांकन काम लॉकडाउन के बाद ही कराना संभव है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों,
कि लखनऊ सहित 27 जिलों में कोई छूट नहीं, संक्रमण के बढ़ते मामले में चलते राहत नहीं, पहले की तरह रहेगा सख्त जारी आदेश। सचिवालय में आज जाएंगे 300 कर्मी। केंद्र ने शर्तों के साथ राहत की तो दी, लेकिन हॉटस्पॉट व संक्रमित जोन में 3 मई तक कोई रियायत नहीं। यूपी में लौटे 5 लाख श्रमिकों को रोजगार देंगे योगी। कोटा में लखनऊ लौटे छात्रों का कहा कि आज़ादी जैसा एहसास सीएम योगी सच्चे अभिभावक उन पर गर्व। कोरान लौटे गाजीपुर की छात्रा पॉजिटिव, जैसा सब जो देख पा रहे हैं। लखनऊ समेत 27 जिलों में कोई भी छूट नहीं है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सभी लौटे श्रमिकों को 5 लाख लौटे श्रमिकों को सभी को रोजगार देंगे। दोस्तों ये थी न्यूज़ आपकी जो आपने देखी, और प्लीज़ जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आपका अपना भूपेंद्र।